सप्लाई वोल्टेज टू रूम इज 120 वोल्ट। इस कमरे में मान लो सप्लाई 120 वोल्ट की है। रेजिस्टेंस ऑफ लेड वायर इज 6 ओम। तो बल्ब तक या कोई भी इक्विपमेंट जब लगाते हो तो तारें लगानी पड़ेगी बैटरी से, उन तारों की रेजिस्टेंस 6 ओम है। 60 वॉट बल्ब इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑन, 60 वॉट का बल्ब ऑलरेडी ऑन है। वॉट इज डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, तो वोल्टेज बल्ब की कुछ ना कुछ तो लेगा ही 200, क्योंकि 120 वोल्ट कमरे में अवेलेबल है। बल्ब कुछ तो वोल्टेज लेगा, 120 तो नहीं लेगा क्योंकि वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी है। तो कह रहे हैं कि अगर मैंने हीटर भी लगा दिया 240 वॉट का पैरेलल बल्ब के साथ, तो बोलो वोल्टेज में कितना फर्क आ गया बल्ब की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है मेन्स वालों ने, ऐसी बात नहीं है। अब उस 1 मिनट के अंदर घुमा रहे, आपको सोचना पड़ेगा क्या कह रहा है। तो मैंने डायग्राम में ऐसे इंटरप्रेट किया है, पहले सिर्फ बल्ब लगा हुआ है, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये जो बातें करते हैं ना 120 वोल्ट पे 60 वॉट वोल्ट पावर है, ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि आपको रेजिस्टेंस पता लग जाए। तो पावर आपको 60 वॉट पता है, वी आपको 120 पता है, तो यानी कि सबसे पहले वी और पावर से क्या निकलेगी, बल्ब की रेजिस्टेंस 240 निकलेगी। ऐसी हीटर की, हीटर भी तो 120 पे चलने वाला है, कमरे में हीटर चलेगा तो कमरे के में हीटर चलेगा तो 120, 240 वॉट का हीटर है तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 60। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बल्ब और हीटर की क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो ठीक है, निकल गया। तो सबसे पहले केस नंबर वन मुझे ये गिवन है कि अगर आपको एक बल्ब गिवन है 240 ओम का, मतलब ऑब्वियस मैंने रेजिस्टेंस निकाली 240 है, 240 बल्ब है, और वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 6, और कमरे की वोल्टेज कितनी है 120, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि बल्ब के अक्रॉस वी की वैल्यू कितनी है। अगर वायर की रेजिस्टेंस ना होती तो 120 का 120 इसको मिलता, पर क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस है तो इसमें मेरे को अब करंट निकालना पड़ेगा, और ओम लॉ से आई इंटू 240 करके इसकी वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो पहले करंट निकालो, बोलो करंट क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 6, ये आ गया करंट आ जाएगा, और जो भी करंट आएगा उसको 240 से मल्टीप्लाई करके इसकी वोल्टेज आ जाएगी 240 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 117 वोल्ट के आसपास है। तो बिल्कुल सही है, जब बल्ब लगा हुआ था 6 ओम के साथ तो 120 नहीं ले पाया, 117 ले पाया। ये वोल्टेज तो तब थी जब अकेला बल्ब लगा हुआ है। उसने कहा कि बल्ब के साथ क्या लगा दिया, हीटर इन पैरेलल, हीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 60 लग गया। अब बताओ इसमें वी कितना नया, पहले तुम दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह क्या लगाओगे, 48 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। फिर तुम नया करंट निकालोगे, नया करंट क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 6। फिर तुम ओम लॉ से नई वोल्टेज निकाल लोगे इसकी, आई इंटू 48 ये ना, जो कि आएगी 106। जो वोल्टेज यहां डेवलप होगी वही यहां डेवलप होगी, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यानी कि इस बल्ब में अब नई वोल्टेज 106 है, जब हीटर नहीं लगा था ऊपर वाले केस में 117 थी, हीटर लगने के बाद 106 है, तो डिफरेंस कितना है, दोनों को माइनस करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो वो क्यों ना दे हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट से हीटिंग तो चेक हो ही रही है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज और पैरेलल भी चेक हो रहा है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। तो कैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हमने हीटर लगा दिया पैरेलल में, तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, ये 2-3 पेज छोड़ के मैंने यहाँ नोट किया हुआ है, मतलब ये भी कमाल का क्वेश्चन है। अब देखना जरा क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत सिंपल लेकिन एक ट्रिक है बस हल्का सा। क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बता दें, अगर दो बल्ब हैं, एक 60 वॉट है एक 500 वॉट है, मैंने सीरीज में लगा दिए, तो पावर चेंज होगी कि नहीं होगी, सीरीज में लगने के बाद होगी, पैरल में इनकी पावर, लास्ट टाइम किया था, पैरल में नहीं होगी ना, पैरल में वी विल रिमेन सेम। तो पैरल के अंदर जो कंपनी क्लेम करती है कि 220 पे 500 वॉट पावर है, तो 500 वॉट मिलेगी अगर 220 मिलेगा, तो पैरल में तो वी सेम रहता है तो फर्क नहीं पड़ता, सीरीज में वी डिवाइड हो जाता है तो फर्क पड़ता है। तो सीरीज के अंदर मैंने हिंट लिखवाया था, छोटी पावर वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, बड़ी पावर हो जाती है, और बड़ी पावर वाला छोटा बन जाता है, ऐसे करवाया था। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लोग याद करके गए या पेपर में आएगा ना, छोटी पावर बड़ा, बड़ा छोटा कर दूंगा, उसे क्वेश्चन चेंज कर दिया। देखना जरा क्या क्वेश्चन कर दिया।
कि मेरे पास ना एक बल्ब है और बल्ब के ऊपर लिखा हुआ था, कंपनी क्लेम भी करती है कि तुम अगर इसको 100 वॉट वोल्ट पे चलाओगे ना तो ये पूरी 500 वॉट पावर देगा, इसको 100 वोल्ट मिलने चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं इसको 230 वोल्ट पे चलाने वाला हूं। व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो बल्ब के साथ मैं आर को सीरीज में लगाने वाला हूं, तो बल्ब के साथ जब मैं आर को सीरीज में लगाऊंगा तो जो बल्ब 500 वॉट क्लेम करता है उसकी पावर 500 वॉट तो रहेगी नहीं, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, हमने लास्ट टाइम किया था, तो ये पावर को तो हमने देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन साथ में छोटी सी लाइन बोल रहा है कि जब मैंने आर के साथ सीरीज में लगाया इट वर्क्स परफेक्टली वेल, कमाल की बात होगी, 500 वॉट का बल्ब 500 वॉट ही पावर देना शुरू कर दिया उसने, जबकि सीरीज में कभी ऐसा होता नहीं। ऐसा तभी हुआ होगा जब इसको इसकी वोल्टेज पूरी मिली होगी और कितनी, 100 वोल्ट। इसका मतलब आपकी 230 में से 100 वोल्ट तो ये ले गया, तभी तो खुश है, परफेक्टली वेल काम कर रहा है, 100 तो ले गया, बचा कितना आर के पास, 130। ये ट्रिक समझ में आया, इसने वेल लिखा तो मैं इसको 100 वोल्ट दे दिए, अगर ये वेल ना होता मैं इसको 100 वोल्ट कभी ना देता, समझ में आ रहा है ट्रिक। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करके पावर इज वी इन टू वाई से क्या आ गया, आई आ गया, वही आई इसमें जाएगा, आई इन टू आर इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, वहां से आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम याद करके जाते हैं सीरीज में पावर चेंज हो जाती है, और उसने कहा पावर चेंज नहीं करनी तो फिर वी भी चेंज नहीं करना, क्या ये ट्रिक समझ में आ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडी स्टेट वर्ड यूज कर रहा है और बहुत क्वेश्चन में यूज करता है, इंपॉर्टेंट है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट करंट, राइट। तो स्टेडी स्टेट इज कांस्टेंट करंट, जब करंट कांस्टेंट है तो कैपेसिटर कांस्टेंट करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देता, यह प्रॉपर्टी हमने की थी याद करो, कैपेसिटर डीसी करंट को पास होने देता ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि करंट होता क्या है मुझे ये बताओ, जो करंट है वो क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी होता है, यही रूल है। अब जब स्टेडी स्टेट है तो कैपेसिटर की चार्जिंग भी रुक गई, स्टेडी है भाई, कैपेसिटर की चार्जिंग ही रुक गई, और जब कैपेसिटर की चार्जिंग रुक गई मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ या कम नहीं हो रही, तो क्यू उसका हो, क्या हो गया स्टेडी स्टेट में, कॉन्स्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो मैंने आपको पहले भी एक बार प्रॉपर्टी बताई थी कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर अपने अंदर से कांस्टेंट कांस्टेंट डीसी करंट को पास नहीं होने देगा कभी भी। अगर करंट कांस्टेंट होगा और वो डीसी होगा, एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग तो होने देता है कि वो चेंजिंग करंट है, कांस्टेंट डीसी करंट को मान लो 5 एम्पीयर का करंट है और बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? तो ये चीज समझते ही लोगों को समझ में आ जाती है कि वर्ड स्टेडी है तो इस ब्रांच में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है, पर फिर भी कैपेसिटर चार्ज तो फिर भी होगा, ऐसा नहीं कि उसके अंदर करंट नहीं जा रहा, वो चार्ज नहीं हो रहा, चार्ज तो वो हो चुका है, क्यों, अब वो स्टेडी हो चुका है। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा V1 एंड V2, उससे ये चार्ज हो चुका है, करंट नहीं जा रहा, चार्ज हो चुका है। लेकिन शुरू में करंट जा रहा होगा जब स्टेडी स्टेट नहीं थी, थोड़ी देर के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, चार्ज वो भर गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अब नहीं जाने देगा, पहले जाने दे रहा था, पर हमारा क्वेश्चन क्योंकि स्टेडी स्टेट पे है तो हमारे हिसाब से तो नहीं जा रहा, चार्ज होके बैठ गया, फुल होके बैठ गया, आप कहते हैं मैं नहीं जाने देता करंट को, तो जीरो कर गया, करंट जीरो कर गया। तो क्वेश्चन है
आपको बताना है कि चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इसके इक्वल है, कैपेसिटर ने जितना चार्ज भर चुका है स्टडी स्टेट में, तो इसमें करंट तो जाएगा नहीं, करंट इसमें तो जाएगा बाहर, बाहर से कितना करंट जाएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस आर टू, ये स्टेप क्लियर है? तो इतना करंट जाएगा, अब करंट इतना जाएगा तो इस नीचे आर टू में, इस आर टू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर टू होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स का भी होगा और वही कैपेसिटर का भी होगा, क्योंकि जो कोने के पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कैपेसिटर फंसा हुआ है, तो वही क्योंकि पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर टू है वही इसका होगा, तो ये देखो वही तो बोल रहा हूँ, I इंटू आर टू इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैट से क्या होता है, क्यू बाई सी, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी से निकाल लिया I इंटू आर टू, और कैपेसिटर से निकाल दिया क्यू बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्यू आ गया आंसर, चार्ज आ गया कैपेसिटर का।